কিছু আন্তু গুরুত্বপূর্ণ খবর ইতিমধ্যে ধুবুরীত উপস্থিত হয়েছে প্রিয়ঙ্কা গান্ধী আর পুনে পুনে এয়ারপোর্টের প্রিয়ঙ্কা গান্ধী উপস্থিত হয়েছে সংকল্প যাত্রার সভাত আর কিছু মুহূর্তের পিছতে এটা প্রিয়ঙ্কা গান্ধী আরম্ভ করব সংকল্প যাত্রা আমি পুনে পুনে লো যাব বিচার আপনার ধুবুরীল এই মতো জানাব বিচার বিশেষ খবর ইতিমধ্যে রাজ্য তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনী যুঁজ আরম্ভ হয়েছে তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের ইতিমধ্যে ধুবুরীত আজি উপস্থিত হয়েছে কংগ্রেসের স্টার ক্যাম্পেইনার প্রিয়ঙ্কা গান্ধী উপস্থিত হয়েছে ধুবুরীত বিরোধী মিত্রজোঁটর প্রার্থী রকিবুল হুসেইনের হয়ে প্রচার চলাব প্রিয়ঙ্কা গান্ধী এতিয়া এয়ারপোর্টের পুনে পুনে প্রিয়ঙ্কা গান্ধী গৈ সংকল্প যাত্রার যে সভা আছে এই সভাত উপস্থিত হয়েছে কিছু সময় পিছতেই আরম্ভ করব কংগ্রেসে সংকল্প যাত্রা প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর সঙ্গে উপস্থিত কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা প্রদেশ কংগ্রেসের বহু কেগী শীর্ষ নেতা উপস্থিত হয়েছে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর সঙ্গে আর ধুবুরীর বালাজান ন্যায় সংকল্প যাত্রা সভাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে প্রিয়ঙ্কা গান্ধী লগত উপস্থিত হয়েছে জিতেন্দ্র সিং ভূপেন বরা গৌরব গগৈ দেবব্রত হৈকে আমি পুনে পুনে লৈ যাব বিচার প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর ভাষণলৈ ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর ভাষণ एक बार जोर से बोलो जय अखम धन्यवाद कैसे हैं आप गर्मी है आज दूर दूर से आए हैं बहुत इंतजार कर रहे थे क्या जल्दी जल्दी बोलूं नहीं श्री जितेंद्र सिंह जी श्री भूपेन बोरा जी श्री देवव्रत साइकिया जी श्री रकीबुल हसन जी श्री गौरव गोगोई जी श्री जाकिर हुसैन जी श्री अबीदुर जमान जी श्री पृथ्वीराज साठे जी मंच पर विराजमान सभी नेतागण सभी पदाधिकारी मेरी प्यारी प्यारी बहनों प्यारे भाई आप सब इतनी दूर से यहाँ इतनी बड़ी तादाद मेरी बातों को सुनने आए हैं इसके लिए सबसे पहले मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहती हूं आपको सबको हिंदी समझ में आती है या अनुवाद कराऊं ठीक है समझ में आती है देखिए ये कोच राजवंशी की धरती है महामाया धाम यहां है पंचपीर दरगाह यहाँ है गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर जी का यहाँ है ये एक ऐसी धरती है जहां से पूरे देश को संदेश जाता है कि ये देश एक है हम सब एक महान परिवार है और इस देश के लिए हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे इस देश के लिए हम सब मेरे भाई श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से वो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी पहली वाली और दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी आप सबके पास भी गुजरे होंगे आप सबने देखा क्यों कर रहे थे वो ये यात्रा इसी जमीन की भावना के तहत कर रहे थे वो ये यात्रा इसी पूरे देश को याद दिलाए कि हम सब इकट्ठे हैं हम सब एक हैं और ये देश हम सब का है आपने देखा किस तरह से जहां जहां राहुल जी जाते हैं वे सिर्फ सच बोलते हैं किसी को पसंद आए ना आए किसी को अच्छा लगे ना लगे लेकिन वो सत्य बोलते हैं और सत्य के पथ पर चलते हैं ये जो सच्चाई और सत्य की परंपरा है ये हमारे देश की पुरानी परंपरा है हमारे धर्मों ने हमें हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाई
गांधी जी ने भी यही सत्य का पथ पकड़ा था। हमारे पूरे जो स्वतंत्रता आंदोलन की नींव थी वह यही थी, सत्य, सच्चाई और देश और जनता की सेवा। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है प्यारी बहनों, प्यारे भाई, जो आज देश में हो रहा है उसको समझने के लिए आपका ध्यान मैं कुछ चीजों की प्रति आकर्षित करूंगी। देश में जो राजनीति चल रही है, असम में जो राजनीति चल रही है, उसको आपको गहराई में समझना पड़ेगा। हालात ये है कि एक तरफ अपार सत्ता है, अपार धन है। मेरे मीडिया के साथी यहाँ है, सरकारों के साथ है। एक जमाने में मीडिया सरकार से सवाल उठाती थी, नेता कुछ गलत करता था तो जनता का प्रतिनिधित्व मीडिया करती थी, सवाल उठाती थी, पूछती थी। एक जमाने में सत्ता को जनता पूछ सकती थी, जनता सवाल उठा पाती थी, लेकिन आज पूरी सत्ता एक पार्टी के साथ है और उन्होंने इस लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने वाले सारे संस्थान कमजोर कर रखे हैं। चाहे वो मीडिया हो, चाहे न्यायपालिकाएं हो, चाहे दूसरे संस्थान जैसे इलेक्शन कमीशन हो, तमाम संस्थानों को कमजोर करने का प्रयास इन्होंने हमेशा किया है। इनके धन बल से सरकारें गिराई जाती हैं। सत्य का जो पथ है इन्होंने छोड़ डाला है। तो आज चाहे असम में, चाहे पूरे देश में, एक ऐसी राजनीति चल रही है जो जनता के लिए नहीं चल रही है। असम के अपने मुख्यमंत्री को देखिए और उनकी तुलना बाकी मुख्यमंत्रियों से कीजिए जो कांग्रेस के प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें चला रहे हैं। आप रेवंत रेड्डी से पूछेंगे कि रेवंत जी तेलंगाना में आप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको सारे काम गिनाएंगे। वो कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी चुनाव से पहले, उनको पूरा करने का काम कर रहा हूं। अगर आप आज कर्नाटका के सीएम से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो कर्नाटका के सीएम आपको बताएंगे कि जो कांग्रेस ने गारंटी चुनाव से पहले दी उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से जहां जहां कांग्रेस की सरकार है आप वहां के सीएम्स को देखिए और आपको पता चलेगा कि सेवा के लिए समर्पित हैं। लेकिन यहां असम में माफियाओं का राज चल रहा है, भू माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखें तो वसूली और माफिया चल रही है। यहां पे सरकार जितने स्कैम करती है, चाहे वो किसान का संपदा स्कैम हो या पीपीई किट पे स्कैम हो या फ्लाईओवर का स्कैम हो, चाहे गाय की तस्करी जो खुलेआम हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं आपके प्रदेश में, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। यहां के सीएम के खिलाफ बड़े बड़े आरोप थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब उनके खिलाफ एक बड़ा आरोप था, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए वो सारे आरोप गायब हो गए। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है जिसके अंदर जिसको डालो, पहले वो भ्रष्ट कहते हैं, जो भ्रष्ट होता है दूसरी पार्टियों से लाके अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर देते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने आपके ही सीएम के साथ किया और ये मिसाल बन गया पूरे देश के लिए कि एक तरफ ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और दूसरी तरफ जो भ्रष्ट है उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं
और सारे आरोप सारे के सब थम जाते हैं, ठंडे बस्ते में डाले जाते हैं। यहां पे जो सरकार है उसका ध्यान आप पे नहीं है, अपने बिजनेस पे है। कहां से बिजनेस होगा, कहां से कमाई आएगी, कहां पे कौन सी माफिया चल रही है उसके साथ साठ गांठ करना, यही इस सरकार का काम हो गया है। लेकिन इस बीच आप मुझे बताइए मेरे भाइयों, आपकी कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज आप सब यहां पे बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी यहां पे हैं, बताइए कितनों के पास रोजगार है, ऐसे हाथ उठा के बताइए। रोजगार मिला है नहीं मिला है? किसी को एक जने को तो मिला होगा, किसी को रोजगार नहीं मिला? बहने किसी को रोजगार नहीं मिला है? क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान अपने स्वार्थ पे है, मंत्रियों का, सीएम का, सबका अपने ही स्वार्थ पे है। हम कैसे कमाएंगे, जनता कैसे कमाएगी, जनता के क्या संघर्ष हैं, कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। आपको मालूम है 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 70 करोड़, 30 लाख खाली पद पड़े हैं, 30 लाख खाली पद केंद्र सरकार में पड़े हुए हैं इतने सालों से, उनको भरा नहीं गया है। जिससे बात करो बेरोजगार है। आप सबने मेहनत से पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत की, कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई जॉब करता है, किसी के पास छोटी दुकान है। आप सब क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? आप उनको बड़ा करके उनके भविष्य को बनाना चाहते हैं, है कि नहीं? पढ़ाते लिखाते किस लिए हैं? पूरी हिम्मत डालते हैं आप कमाई में ताकि बच्चे बड़े होकर अपनी लाइफ बना पाए, अपनी जिंदगी बना पाए और उनका भविष्य अच्छा हो। लेकिन आज चाहे जितना भी काम आप करें, चाहे परिवार में आप काम कर रहे हैं, महिलाएं चाय के बगान में काम कर रही हैं, पुरुष मजदूरी कर रहे हैं, किसी का कहीं पे जॉब लगा हुआ है, फिर भी कमाई पूरी नहीं हो रही है, ये सच है कि नहीं? फिर भी जब आपको दुकान जाना पड़ता है कुछ खरीदने के लिए तो घबराहट होती है, जब कोई बीमार पड़ता है तो पूरे परिवार पे संकट आ जाता है कि कैसे हम कैसे इलाज कराएंगे। सही बात है कि नहीं? सही बात है ना? कुछ टूट जाता है घर में, बारिश आती है, पानी आ रहा है, उसको ठीक करना है, आप कहते हैं कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी पैसे नहीं है। बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, बच्चों के लिए वर्दी खरीदनी पड़ती है, मुश्किलें भरी पड़ी हैं। मिट्टी का तेल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल सब महंगा हो गया है। जो खेती करता है वो खेती में कमा नहीं पा रहा है, MSP तो मिलती ही नहीं है आपको। और खेती में जितने भी सामान आप इस्तेमाल कर रहे हो आज, सब पे GST लगा लगा के उनको महंगा कर दिया है। बाढ़ आती है, बारिश आती है, बाढ़ में आपको कोई मदद नहीं मिलती, आपकी जमीनें चली जाती हैं पानी के नीचे, मुआवजा नहीं मिलता है समय पे, कोई पूछने वाला नहीं है, ना आपकी असम की भाजपा की सरकार पूछ रही है और ना मोदी जी की केंद्र की सरकार। आपके यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता आते हैं, कहते हैं फॉर्म भरो, मेरी बहनों को कहते हैं फॉर्म भरो नहीं तो वोट दो, नहीं तो 1200 रुपए नहीं मिलेंगे, कहते हैं ना, आए हैं ना फॉर्म भरने? आप अगली बार आएंगे ना आपके घर तो आप उनसे पूछिए 1200 रुपए से आज क्या मिलता है, एक सिलेंडर भी नहीं मिलता है, समझे आप? आपको 1200 रुपए देने की बात कर रहे हैं, आज आपको 1200 रुपए में उन्होंने ये स्थिति बना दी है आपकी कि आपको एक सिलेंडर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं खरीद पाओगे उस 1200 रुपए में। फिर भी आपके घर आके आपको धमकाते हैं, कहते हैं वोट दो, फॉर्म भरो, नहीं तो 1200 रुपए नहीं मिलेंगे। आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि मेरी बहनें
जो परिवार में सबसे बड़ी महिला है उसको 8,500 रुपए हर महीने, साल में 1,00,000 रुपए आपको मिलेंगे। क्योंकि बोझ आप उठाती हो, मैं महिला हूं, मैं समझती हूं, महिला चाहे बड़े घर की हो चाहे छोटी घर की हो, चाहे गरीब हो चाहे बहुत रईस हो, महिला हमेशा समाज का बोझ भी उठाती है, समाज की परवरिश भी करती है। नई पीढ़ी को तैयार करने वाली मेरी बहन मेरी महिला है, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली महिला है, काम पे जाती है, खेती में जाती है, नौकरी करती है, मजदूरी करती है, तो घर आकर बच्चों को देखती है, घर आकर खाना पकाती है, घर आकर सबकी देखभाल करती है। जब तक आप सब सो जाते नहीं हो, जब तक पूरा परिवार चैन से नहीं सोता, तब तक मेरी बहनें नहीं सोती हैं। और इस सरकार में उनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपरी बातें। मोदी जी कहते हैं हमने महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिए। कौन से आरक्षण? 10 सालों के लिए वो आरक्षण सच्चाई ही नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने हर जगह इवेंट बनाए, बड़े बड़े मंचों पर गए, उनको माला पहनाया गया, कहा गया कि महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि आपको 5 किलो राशन और 1200 रुपए पकड़ा कर ये कहते हैं कि बस चुप रहो, इतना मिलेगा तुम्हें, बस और कुछ नहीं मिलेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े करने के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी चुनाव में गारंटी दे रही है, और चुनाव के बाद देखना, जैसे हमने अपने प्रदेशों में सारे गारंटी लागू किए हैं, हम ये भी लागू करेंगे कि 50% मतलब आधी नौकरियां जितनी भी केंद्र सरकार में है आधी महिलाओं को मिलेगी। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आपने देखा होगा कर्नाटका में क्या हो रहा है, इनके पार्टी के साथ लगे हुए लोग ऐसी हरकतें इन्होंने की हैं, ऐसे अपराध किए हैं, हजारों वीडियो निकले हैं। और क्या पता चला कि जिसने अपराध किया उसके साथ मोदी जी मंच पे खड़े होकर उसके लिए वोट मांग रहे थे। मंच पे खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि इनको वोट दीजिए, ये हमारे को इनको जिताइए। वही अपराधी देश से भाग के निकल गया, किसी ने रोका नहीं। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नहीं रोका, उनके अमित शाह जी ने नहीं रोका, उनको निकलने दिया। जहां जहां महिलाओं पे अपराध हुआ है, चाहे हाथरस में यूपी में हुआ, मैं गई थी उस महिला के घर, उसकी मां रो रही थी, उसकी बच्ची 19 साल की थी, उस समय मेरी बच्ची भी 19 साल की थी, उसके साथ सारी गलत हरकतें करके उसको जलाया गया, माता पिता को उसका शव भी नहीं देखने दिया। उसके बाद उन्नाव में ऐसा हादसा हुआ एक महिला के साथ, उसको भी जला दिया गया। ये लोग कुछ नहीं बोले, मोदी जी कुछ नहीं बोले, बल्कि इन्होंने अपराधियों को बचाने का काम करवाया। जहां जहां अपराधी थे सबको बचाया, उनको उनको उनकी रक्षा की गई सरकार से, लेकिन महिला की सुरक्षा के बारे में ये लोग बात करते हैं। ये लोग आकर आपको कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, किस मुंह से करेंगे बहने, किस मुंह से? हाथरस में नहीं की, उन्नाव में नहीं की, मणिपुर में एक जवान की बीवी को निर्वस्त्र करके सबके सामने चलाया गया। सबने वो वीडियो देखा कि नहीं? सबने देखा, मोदी जी ने देखा होगा ना, अमित शाह जी ने देखा होगा ना, तो चुप कैसे हो गए? बचाने नहीं आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आंख मूंदी, मुंह इस तरफ फेर लिया, पूरा देश देख रहा था, महिला को बचाने नहीं आए। जहां जहां अपराध हो रहा है वो अपराध होने दे रहे हैं। ओलंपिक की हमारी मेडलिस्ट थी, जब मेडल जीत के आई मोदी जी के घर गई, मोदी जी ने बुलाया उनको, उनको चाय पिलाई, उनके साथ फोटो खिंचाई, सारी मीडिया में ने लिखा, देखो मोदी जी के काल में इंडिया मेडल लेके आ रही है ओलंपिक से। जब वही महिला
सड़क पे उतरी, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है मोदी जी, मेरी मदद कर दीजिए, जो आपकी पार्टी में नेता है उसने किया है, तो मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं कहा। वो बच्ची बैठी रही सड़क पे, मैं उस बच्ची से भी मिली, मैंने उससे बात की, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए दीदी। लेकिन मोदी जी ने न्याय नहीं दिया, अपने घर से नहीं निकले। वही हालत जो महिलाओं की है, वही हालत किसानों की। किसानों ने आंदोलन किया, मोदी जी अपने घर से नहीं निकले, 600 किसान शहीद हुए, मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं बोला, मिले तक नहीं कि उनकी सुनवाई हो जाए, कि वो जो काले कानून, किसानों को खत्म करने वाले कानून थे, उनको ये हटाएं। आज चाय के बगानों में आप मजदूरी करते हैं। मैं पिछली बार चुनाव में आई थी, मेरे ख्याल से 2 साल गुजर गए होंगे, उस समय से समस्या थी कि आपका जो वेतन है वो बढ़ाया ही नहीं गया। मैं चाय के बगान में गई, महिलाओं से मिली, उन्होंने मुझे अपनी समस्याएं बताया कि कैसे पूरे दिन काम करती हैं, कभी कभी टॉयलेट भी नहीं होता उनके लिए, दूर होता है, उनको जाना पड़ता है चल के, और इतना कम वेतन मिल रहा था। उस समय उनकी मांग थी कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। 2 साल गुजर गए, आप भाजपा की सरकार लाए, आपके मुख्यमंत्री चाय के बगानों को हड़पवाते हैं, चाय के बगानों में अलग अलग बिजनेस कराना शुरू कर दिए हैं, लेकिन जो चाय के बगान में मजदूरी करते हैं उनका वेतन उन्होंने नहीं बढ़ाया। तो आप सोचिए, कांग्रेस में हमने कहा है कि हर रोज की मजदूरी 400 रुपए तक हम बढ़ाएंगे, और ये हमारी गारंटी है। यहां आपकी मांग है कि कोच राजवंशी समुदाय जो है उसको ST स्टेटस मिले, कब से आपकी पुरानी मांग है, इस मांग का हम पूरा समर्थन करते हैं। आपने सुना होगा राहुल जी कहते हैं कि जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना का मतलब है कि ये गिनती होगी कि किस समुदाय में, किस जाति में कितने लोग हैं, ताकि सही से भागीदारी पूरी देश में हो पाए, और सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, लेकिन अमीरी गरीबी के आधार पर भी, ताकि हम जान जाएं कि भाई यहाँ ये समस्या है, ये जाति है, ये धर्म के लोग हैं, जहाँ पे कुछ अलग सी समस्या है, और इसको पूरा करने के लिए हम क्या करें, यहाँ इनकी पूरी भागीदारी नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए ये जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो रिजर्वेशन पे 50% का कैप है वो हटाया जाएगा। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं उनको आपको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। देखिए, जहां जहां हमारी सरकारें चल रही हैं वहां आपकी भलाई के लिए चल रही हैं। पहले से हमारी राजनीति ये रही है कि हम जनता की सेवा करें। जनता कैसे मजबूत होगी, आपके भविष्य कैसे बनेंगे, लेकिन यहां असम में बीजेपी और AIUDF का जो गठजोड़ है वो यहाँ की राजनीति को एकदम एक दूसरी दिशा में ले गई है। बद्रुद्दीन जी और हेमंतो बिस्वा सरना जी के का एक गुप्त गठजोड़ है, अंदर अंदर से मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे की बड़ी तारीफ करते हैं। आपने CMC जी का इंटरव्यू देखा होगा, उस इंटरव्यू में क्या कहा उन्होंने, कोई बताएगा? आप बताओ। वो बोले हैं, बद्रुद्दीन जी के दिल की इच्छा थी कि मैं CM बनूं, समझे? वो बोले हैं कि जहां मैं कहता हूं वहां इनका वोट डलता है। AIUDF के जो विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के साथ वोट डाला है जब राज्यसभा का मामला था। तो समझिए, आपके सामने ऊपर ऊपर से कुछ और बात हो रही है। ऐसे ही उन्होंने तेलंगाना में भी किया, तेलंगाना में उन्होंने साठ गांठ की OSCG के साथ,
ताकि वो कांग्रेस के वोट काटे और बीजेपी जीते। तो इस बात को आप गहराई से समझिए, गहराई से समझिए। जहां जहां हम मजबूत हैं वहां बदरुद्दीन जी अपने कैंडिडेट खड़े करके हमारे वोट काटने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भाजपा जीते। 3 बार सांसद बने हैं, मुझे बताइए कोई नया स्कूल खोला, कोई अस्पताल खोला, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लाए आपके लिए?